हेलो एवरीवन, दिस इज पीके सिंह। आज हम लोग एक्सेस प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं, जो सरफेस टेंशन का एक टॉपिक है। इसमें होता क्या है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ये कब तक बढ़ेगा? मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर, और इसके अंदर जो प्रेशर वो एटीएम प्लस थोड़ा सा ज्यादा, जो भी ज्यादा है, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि बाहर इस वाले सर्कल के बराबर इसका प्रेशर बन जाए। तो मान लीजिए इस दौरान ये जो बढ़ रहा है वो डेल आर बढ़ रहा है, डेल आर, ठीक है। तो देखिएगा वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग डेल आर ले लेंगे और फोर्स की जगह लिखेंगे प्रेशर, वही जो एक्सेस प्रेशर, इनटू एरिया। अच्छा एरिया कौन सा, अभी छोटे वाले की बात होगी, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, P इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डेल आर। इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो ये ड्रॉप होगा ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा सरफेस टेंशन का जिस। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो वर्क होगा माय डियर वो होता है सरफेस टेंशन, जो इसको अपोज करेगा। सरफेस टेंशन इक्वल इंटू चेंज इन एरिया होता है। तो मान लीजिए सरफेस टेंशन क्या है, एस, चेंज इन एरिया मतलब पहले, अब ये बड़ा वाला एरिया है तो इसका क्या होगा, 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। अब यहां से आप चीज देखिएगा, एस इंटू फोर पाई तो कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर डेल आर स्क्वायर प्लस टू आर डेल आर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई पहले निकल चुका है, इससे कट जाएगा। एंड डेल आर इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देयरफॉर डेल आर स्क्वायर बिकम्स जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, एस इंटू फोर पाई, ब्रैकेट में ये जीरो हो गया, कितना है बेटा, टू आर डेल आर। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखिएगा ये भी वर्क का फार्मूला, ये भी वर्क का फार्मूला, दोनों की इक्वल कर दे रहे हैं। वो वर्क हम कर, वो वर्क जो है प्रेशर की वजह से उसे बढ़ाने में हो रहा है, ये उसका अपोज कर रहा है, क्योंकि इलास्टिक सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड के इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है, वो हमेशा अपनी मिनिमम एरिया में रहना चाहता है। तो फिलहाल दोनों को इक्वल कर देंगे हम। तो इक्वल करने के बाद माय डियर आप देखेंगे फ्रॉम वन एंड टू फोर P 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, S 4 पाई 2 आर डेल आर। अब यहां से आप देखेंगे डेल आर से डेल आर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और हमारे पास जो फार्मूला आएगा माय डियर P एक्सेस का वो 2S अपॉन आर आएगा। ये लिक्विड ड्रॉप के लिए है, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे सोप बबल के लिए, तो सोप बबल में क्या होता है, दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो सोप के अंदर भी एयर और सोप के बाहर भी एयर, सोप बबल के, तो उसकी वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, 2s की जगह 4s आ जाएगा, डेरिवेशन सब वही होगा। अब ये किसके लिए बेटा, फॉर सोप बबल। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल कुछ करना नहीं है, वर्क को प्रेशर का जो वर्क को सरफेस टेंशन इसका अपोज करेगा उसके इक्वल कर देंगे और हमारे पास ये एक्सेस प्रेशर आ जाएगा। अब इसमें एक लॉजिक आता है कि दो सोप बबल कोलैप्स होके एक नया सोप बबल बना देते हैं, तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं कैसे क्या होता है बेटा। बेटा जब दो नए बबल होते हैं उनको कंबाइन, सोप बबल उनको कंबाइन करके थर्ड बबल बनाया जाता है, तो ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है और ये आइसोथर्मली कंबाइंड होता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उस केस में क्या होता है, जब आइसोथर्मल में वर्क का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो यानी क्या होगा बेटा, पी वन पी वन प्लस पी टू वी टू इक्वल टू क्या होगा, पी वी, इसका वर्क इक्वल टू इसका बनने में। तो यहां से क्या होगा, 4s अपॉन r1 4 बाई थ्री पाई r1 क्यूब, इसका क्या होगा बेटा,
फोर्स वही सोप है, तो आर टू 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आर टू का क्यूब इक्वल टू 4 एस अपॉन स्मॉल आर, कंबाइंड होकर जो भी बन रहा है 4/3 पाई आर, स्मॉल या स्मॉल ही लेंगे आर क्यूब। अब आप देखेंगे यहां से 4s कट जाएगा, इससे ये कट जाना है, हैं इससे ये कट जाना है, यहां से 4 ये कट जाना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर इक्वल टू r2 का स्क्वायर इक्वल टू r2। तो यहां से एक नया हमारे पास कांसेप्ट आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक बेटा, हां बेटा, दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोलैप्स ना हो ये वाला, अच्छा आपको पता है जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होता है, फार्मूला ही हमारे पास है एक्सेस प्रेशर का कि 4s अपॉन r, मतलब ये एक्सेस प्रेशर, तो ये रेडियस जितना कम रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा। तो अब इसको हम दबाएंगे तो छोटा वाला जो बबल होगा बड़े वाले को दबा देगा, तो वो जो इंटरफेस बनता है उसका रेडियस निकालने का फार्मूला है। तो p यहां पे जो नेट होगा p1 माइनस क्या होगा p2, ये क्या हो जाएगा 4s अपॉन r1 4s अपॉन r2 और यहां पे 4s अपॉन r, तो 1/r इक्वल टू 1/r माइनस 1/, ये इसी तरह आप याद करिए, ये रेडियस ऑफ इंटरफेस अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1, बट मुझे ऐसा लगता है ये याद करना ज्यादा आसान है। ठीक है, अब इसी में एक बात और आप दिमाग रख लीजिएगा कि अगर हमारा जो ड्रॉप है, मान लीजिए एक हमारा ऐसा बीकर है और यह ये पूरा पानी भरा हुआ है, मान लीजिए ऐसे करके किसी वजह से एक ड्रॉप हमारा यहाँ पे, जो कि यहां से डेप्थ कितना है स्मॉल h, तो इसके ऊपर जो प्रेशर होगा PATM प्लस रो GH, ऐसा हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, बट यहां पे याद रखिएगा इसकी जगह पे जो इस पे होता है, हम इस तरह कभी भी याद रखते हैं, मान लीजिए फोर एस अपॉन आर यूज करते हैं, अगर मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दिए थे 4s अपॉन r, ठीक बेटा एटीएम उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा 4s अपॉन r प्लस एटीएम, ये हमारा उसका प्रेशर होता है। ठीक बेटा, धन्यवाद, अगर आपको समझ में आया है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, उसे रिजॉल्व कर देंगे। ठीक बेटा।